हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह खेल चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यह पार्ट वन है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत आपका इंजरी यानी चोटें, फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, डोपिंग आता है। इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो इन सभी वीडियोज को देखना ना भूलें। बेहतर तैयारी करने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर रेगुलर। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द 1928 शीतकालीन ओलंपिक में आया। कब आया? 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, FIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो FIMS का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ओलंपिक खेलों से डोप टेस्ट शुरू हुआ? तो दोस्तों, प्रथम बार डोप टेस्ट शुरू हुआ 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। उस 1968 में स्वीडन के पेंटाथलिट गुनर लिंजेवाल पॉजिटिव पाए गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया? तो दोस्तों, डोपिंग का पहला केस पाया गया 1960 के रोम ओलंपिक में। और कौन मिला था दोस्तों? डेनमार्क का रोड साइक्लिस्ट था, जो इसका नाम था न्यूड एनमार्क जेंसन, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया। और चेक किया गया तो रोनिकल और एम्फिटामाइन उत्तेजक को अधिक ले रखा था, जो सहनशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LASM का फुल फॉर्म क्या है? IASM का फुल फॉर्म क्या है? तो IASM का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक ट्राइंगल से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, एथलेटिक ट्राइंगल से तात्पर्य है एथलेटिक कोच और पेरेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 डिग्री फारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होंगे? तो इसमें 38.5 सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो अवधि के आधार पर चोटों को तीन भागों में बांटा गया है, एक्यूट इंजरी, पोस्ट एक्यूट इंजरी, क्रोनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी जो तुरंत लगने वाली चोटें होती हैं, ताजी व तीक्ष्ण चोटें जो 12 घंटे तक की चोटें आती हैं। दूसरा होता है जो इसमें अवधि एक दूसरा होता है पोस्ट एक्यूट इंजरी। यह एक्यूट इंजरी से ज़्यादा होता है, यानी 12 से 48 घंटे तक की चोटें। तीसरा होता है क्रोनिक इंजरी, जो पुरानी व गंभीर चोटें होती हैं, यह 48 घंटे से ज्यादा की चोटें होती हैं। इसका इलाज अल्ट्रावायलेट यानी अवरक्त किरणों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो चोटों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। चोटों की प्रकृति के आधार पर खेलों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग?
एक्जोजेनस यानी बाह्य एंड एंडोजेनस यानी अंदरूनी। वाह जो बाहरी कारणों से होता है, जैसे कि खेल उपकरण से खेलते समय यानी बाल स्टिक आदि से लग गया। अंदरूनी कारक जो एंडोजेनस होता है उसमें अंदरूनी कारणों से लगता है, जैसे कि हमारा स्ट्रेन क्रैम्प आदि चोटें इससे संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांत में सबसे अहम सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों सबसे अहम सिद्धांत है फिटनेस का। यदि आपकी फिटनेस लेवल बढ़िया है तो आपको जल्दी चोट नहीं लगेगा। चोटों से बचाव सबसे अच्छा होगा, आपके शरीर में लचकता होगा, आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा तो कभी चोट कम लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के लिए के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं? तो रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं RICE को। किसको कहते हैं? RICE को, रूल ऑफ थंब यानी कि प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के अंतर्गत RICE आता है। अब दोस्तों RICE के स्थान पर PRICES हो गया है, तो इसमें PRICES में आपका P से हो जाता है प्रोटेक्शन, जो चोटिल भाग का बचाव। R से होता है रेस्ट, जो चोटिल भाग को आराम देना 15-20 मिनट तक। एंड तीसरा होता है आपका आइस यानी कि चोटिल भाग पर बर्फ का उपयोग करना। शीर्ष होता है आपका कंप्रेजन यानी कि चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग को तक की तरफ दबाना, जिससे उस भाग का रक्त जो है रक्त संचरण रुक जाए या कम हो जाए और दर्द जो सूजन होता है उसमें कमी हो सके। इसके लिए टॉनिक बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। ई से होता है दोस्तों इलिवेशन यानी कि चोटिल भाग को हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठा के रखना। यश से होता है सपोर्ट यानी चोटिल भाग को किसी चीज से सहायता देना कि वह ज्यादा हिले डुले न। इस प्रकार खेल में चोट लगने के उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब जो है RICE को बोला जाता है। अब उसमें R के पहले P और E के बाद यश जोड़ दिया गया है, PRICES हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको टॉनिक बैंडेज कहते हैं। कौन सा बैंडेज कहते हैं? टॉनिक बैंडेज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो डायफ्राम मांसपेशी में जो क्रैम्प आ जाता है उसको हम स्टीच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीच यानी कि पेट के नीचे जो तीखा दर्द होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है स्टीच, क्योंकि इसमें बहुत बार गलती हो जाता है। तो पेट के नीचे तीखे दर्द को हम स्टीच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना होती है? तो ये भी आपका होगा स्टीच। ठीक है, स्टीच यानी पेट के निचले हिस्से बोले चाहे डायफ्राम पेशी में मांसपेशी में बोले तो आपका स्टीच होगा। ठीक है, स्टीच होगा यानी कि दोस्तों यह स्टीच क्या होता है, यह मसल्स क्रैम्प का एक प्रकार होता है जो डायफ्राम या पेट की निचली मांसपेशी में होता है। यह दौड़ते समय अचानक से तीखा दर्द होता है पेट के निचले भाग में, उसे ही हम स्टीच कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रेन किसे कहते हैं? जैसा कि दोस्तों मैं चोट वाले वीडियो में स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों को आप कैसे हमेशा पहचानेंगे। मैंने इसके लिए ट्रिक बताया था कि स्ट्रेन को स्ट्रेन न बोल करके स्ट्रेनम बोलिए, जिसका मतलब होता है स्ट्रेनम यानी मौसे मांसपेशी या टेंडन की चोट।
और स्प्रेन को स्प्रेन ना बोल करके स्प्रेनली बोलिए, यानी कि स्प्रेन जो है लिसे लिगामेंट की चोट है, ठीक है। स्प्रेनली यानी स्प्रेन लिगामेंट की चोट है, स्ट्रेनम यानी स्ट्रेन जो है वह मांसपेशी टेंडन की चोट है, इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्ट्रेन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए, यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मांसपेशी टेंडन मांसपेशी या मांसपेशी समूह के अनैच्छिक रूप से या जोरदार संकुचन के कारण पेशी या पेशी के समूह में जो ऐंठन आ जाता है उसे हम क्रैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैम्प कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खींच जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम मसल स्पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल स्पूल कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है मसल स्पूल वाला, क्योंकि दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। जैसे कि मसल स्पूल में क्या होता है, पुल मतलब खींचना यानी कि बलपूर्वक खींच जाना, बलपूर्वक शब्द जहां पे आ जाए अधिकतम सीमा तक खिंच जाए तो यह होगा आपका हमेशा मसल स्पूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाए या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है। अभी मैंने ट्रिक बताया था स्प्रेनली, यानी स्प्रेन जो है लिगामेंट का चोट है, अधिकतम सीमा से अपने सीमा से अधिक खिंच जाना या टूट जाना वो क्या कहलाता है। लिगामेंट का अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या टूट जाना स्प्रेन, ठीक है, स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन के तंतु यानी जो फाइबर्स होते हैं उसके अचानक से खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आ जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछे कि टेंडन के तंतु यानी फाइबर के अचानक खिंच जाए तो वहां पे टेंडनाइटिस होगा, ठीक है। और जहां पे टेंडन और साइनोवियल दोनों का बात करें तो टेनोसाइनोवाइटिस होगा, जहां पे सिर्फ साइनोवियल की बात करें तो वहां साइनोवाइटिस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन आ जाए तथा रक्त के जम जाने पर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जहां पे रक्त की जम जाने की बात हो और नीला पड़ने की बात हो वहां पे आपका हमेशा गुम्बड़ यानी कंट्यूजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ज्वाइंट से अपने स्थान से अलग होकर अलग हो जाना या स्थान से हट जाना डिसलोकेशन कहलाता है, यानी कि स्थान से हट जाना। जैसे हमारे कंधे की जो हड्डी होती है कभी कभी अपने जो कटोरे नुमा आकृति होता है प्याले नुमा उससे हट जाती है, खिसक जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान, साइनोवियल क्या होता है दोस्तों, हमारे जो दो हड्डियों के बीच जोड़ होता है वहां पे साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हमारे हड्डियों को लुब्रिकेट प्रदान करता है, जो हमारे हड्डियां जो है वो घिसने नहीं पाती हैं, ठीक है, उसको अच्छा बना के रखता है। तो वहां पे जो सूजन आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी हड्डी की पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, सारे चिकित्सा में उसको फ्रैक्चर कहते हैं, हड्डी को टूट जाना या उसके
पूरी तरह से या अधूरी तरह से टूटना, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो जब भी रक्त के जमने की बात आए, वहां पे आपका होगा किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं। तो शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? हेमाटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमाटोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो कट जाना वो लेक्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेक्रेशन कहलाता है। जैसा कि दोस्तों जो हमारा घाव होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसको शॉर्ट में याद करने का है, पीला यानी कि पंचर यानी कि छेद हो जाना, इंसीजर यानी कट लग जाना, लेक्रेशन यानी कि रगड़ कर रक्त आ जाना। ठीक है, लेक्रेशन यानी रगड़ कर रक्त आ जाना, और एब्रेशन मतलब लाल पड़ जाना यानी कि रगड़ लगना, लाल पड़ जाना। इन सब के बारे में मैं वीडियो में बता चुकी हूँ दोस्तों, चोट वाले वीडियो में। नेक्स्ट है दोस्तों, चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रगड़ लग जाने को एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि यह लाल पड़ जाना यानी कि मैदान में गिर जाना या रगड़ लग जाने से होता है। इसको टर्फ बर्न, मेट बर्न, फ्लोर या सिंडर बर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे SAID से तात्पर्य है स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जो IOC ने डोपिंग को प्रतिबंध लगाने के लिए इस संस्था की स्थापना किया। वाडा का स्थापना कब हुआ? 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में हुआ, जिसका वाडा का मुख्यालय है कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में, और वाडा के वर्तमान अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बांका। वही पे दोस्तों नाडा जो है, जो हमारे इंडिया की संस्था है जिसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोला जाता है, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, मोटो है प्ले फेयर, और इसका चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया के, और डायरेक्टर जनरल NCO है नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन करके अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब हम कुछ विशेष दवाओं का, प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करके अपनी शक्ति या क्षमता को बढ़ा करके जीतना चाहते हैं, तो वो डोपिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डोपिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज का नमूना लिया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए आपका यूरिन यानी मूत्र का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचाती है? तो इसको कहते हैं जटिल अस्थि भंग। क्या कहते हैं? जटिल अस्थि भंग। जैसे कि दोस्तों हमारा अस्थि भंग, जो हड्डी का टूटना कई प्रकार का होता है, जैसे साधारण यानी सिंपल
या क्लोज फ्रैक्चर जो होता है उसमें हड्डी टूटता है बस चमड़ी से बाहर नहीं निकलता है। जो मिश्रित फ्रैक्चर होता है यानी कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, उसमें हड्डी टूटकर पेशियां चमड़ी से बाहर निकल जाती हैं। एंड तीसरा होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि हड्डी टूटकर मुलायम अंगों फेफड़ों हृदय गुर्दे में घुस जाती है। नेक्स्ट होता है आपका विखंडित फ्रैक्चर या जिसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना, एक ही हड्डी जो होता है कई टुकड़ों में टूट जाता है और इसमें इसके मुलायम ऊतकों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पांचवा होता है संघात फ्रैक्चर, जिसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, इसको पेनेट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है, यानी कि एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी से रगड़ खाता है। नेक्स्ट होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें शिशु और बच्चों में होता है, इसमें पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है हड्डियां, जिससे उसमें इसमें टूटता नहीं है, हड्डियां एक तरफ से मुड़ जाती है। नेक्स्ट होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो हमारी खोपड़ी के यानी कपाल या क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है। नेक्स्ट होता है रोगात्मक अस्थिभंग, जिसे फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, यह इसमें रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना होता है, यही फ्रैक्चर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर को आंतरिक मुलायम अंगों में को भी क्षति पहुंचाती है, तो उसको हम जटिल अस्थिभंग यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है विसाधन, वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एर्गोजेनिक एड्स। दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स जो है वो 5 प्रकार का होता है, जैसे कि पोषण साध्य यानी कि न्यूट्रिशनल एड्स, शरीर क्रियात्मक साध्य यानी फिजियोलॉजिकल एड्स, एंड मनोवैज्ञानिक साध्य यानी साइकोलॉजिकल एड्स, यानी यांत्रिक साध्य यानी मैकेनिकल एड्स, एंड नेक्स्ट है औषधि साध्य यानी कि फार्माकोलॉजिकल एड्स। तो यही होता है आपका एर्गोजेनिक एड्स, जो ऐसा साधन और प्रक्रिया होता है जिससे खिलाड़ी की क्षमता में प्रदर्शन में सुधार होता है। दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग में अंतर है, यह एर्गोजेनिक एड्स क्या है कि वह साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता प्रदर्शन में सुधार लाया जाता है, और डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग में वो होता है कि ऐसे साधन का प्रयोग किया जाता है खिलाड़ी के द्वारा अपने प्रदर्शन क्षमता को बेहतरीन करने के लिए कुछ अवैतनिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उत्तेजक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वह कौन सा अस्थिभंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है, तो इसमें होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो अक्सर बच्चों में होता है। नेक्स्ट है वह कौन सा अस्थिभंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों घाव जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसको आसानी से याद करने का ट्रिक है पीला यानी PILA। पी से होता है पंचर, पंचर में क्या होता है कि नुकीले उपकरण से मुलायम उत्तक में छेद हो जाता है, इसे खून निकलने की संभावना बनी रहती है। आई से होता है इंसिजन्स, इंसिजन्स में क्या होता है कि इसमें कट लग जाता है, जिसे नुकीले उपकरण से कट लग जाना जिसे चमड़ी टेंडन पेशी और रक्त वाहिनियों पर लगता है। PIL, L से होता है लैक्रेशन, लैक्रेशन का मतलब चमड़ी पर आघात लगने से चमड़ी फट जाती है और रक्त का स्त्राव होने लगता है। और PILA, A से होता है एब्रेजन, एब्रेजन में क्या होता है कि चमड़ी लाल पड़ जाती है रगड़ खाके, जैसे मैदान में आप गिर गए तो उसमें रगड़ लग जाने पर यह होता है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ प्रश्नों को हमने जाना इस वीडियो में, और जितने भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों खेल चिकित्सा के अंतर्गत, आपके इंजरी फिजियोथेरेपी फर्स्ट एड एंड डोपिंग के अंतर्गत, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन होंगे, तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे इसी तरह का MCQs का प्रैक्टिस करने के लिए।
जिससे आपका डेली बेसिस पर बेहतरीन तैयारी होगा और अपनी सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।